एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हर एक फीमेल वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को फेस करती है, पर क्या सारे वजाइनल डिस्चार्जेस अबनॉर्मल होते हैं? और वजाइनल डिस्चार्ज का होना क्या हमेशा एक प्रॉब्लम की बात है? इसके बारे में आज हम और जानकारी लेते हैं। सो वजाइना से निकलने वाली कोई भी सिक्रीशन को वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। वजाइना के अंदर कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो इन सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करके वजाइना को लुब्रिकेटेड रखते हैं, इसलिए इन सिक्रीशंस का होना ज़रूरी भी है। इसके अलावा वजाइना के अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, और ये सब बैक्टीरिया वजाइना के पीएच को एक ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करते हैं। किसी भी कारण से ये ऑप्टिमम पीएच अगर डिस्टर्ब होता है तब वजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन यूजुअली वजाइनल डिस्चार्ज के रूप में मैनिफेस्ट करता है। सो कौन से डिस्चार्जेस अब नॉर्मल डिस्चार्जेस होते हैं? पीरियड के मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग टाइम पॉइंट्स पे डिस्चार्जेस हो सकते हैं, जैसे कि जब एग रिलीज होने वाला होता है तब आप देखेंगे कि अक्सर एक वाइटिश डिस्चार्ज होता है जो कि म्यूकस कंसिस्टेंसी का होता है, लेकिन उसमें कोई अजीब स्मेल, कोई ओडर नहीं होती, उसके साथ कोई खुजली नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। यदि डिस्चार्ज के साथ आपको कोई अबनॉर्मल स्मेल महसूस हो या उसके साथ इचिंग यानि खुजली महसूस हो, या डिस्चार्ज किसी अल्टर्ड कलर का हो जैसे कि वो पीले रंग का हो या हरे रंग का हो, या कभी वो ब्लड स्टेन्ड हो, उसमें खून आए, तो वो एक अबनॉर्मल डिस्चार्ज है एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड सीक गायनेकोलॉजिकल हेल्प। वजाइनल डिस्चार्ज किन किन कारणों की वजह से हो सकता है? तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये एक इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। इट कैन बी आइदर अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर वो इन्फेक्शन अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से हो सकता है। कुछ कुछ लड़कियां आजकल पीरियड्स के टाइम पे पैड्स के बदले टैम्पोन्स इंसर्ट करती हैं वजाइना में। यदि ऐसा टैम्पोन आप निकालना भूल जाएं तो उसके अंदर पड़े रहने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लेडीज़ को कॉन्डम्स में जो लेटेक्स होता है उससे एलर्जी होती है। सो जब भी कॉन्डम यूजेज करते हैं उसके बाद उनको वजाइनल इरिटेशन और डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा आप जो डिटर्जेंट अपने कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं या और किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक को जिसको आप अपने लोकल एरिया में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से यदि एलर्जी हो तो उससे भी इरिटेंट वजाइनल इन्फेक्शन और डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा जो मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं, यानी कि वो लेडीज़ जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उनमें हार्मोन की कमी की वजह से अक्सर वजाइना की लाइनिंग काफ़ी थिन हो जाती है और उनको रिपीटेड इन्फेक्शंस इसकी वजह से हो सकते हैं। सो इवन इन मेनोपॉजल वेमेन, वो लेडीज़ जिनमें पीरियड्स बंद हो गए हैं उनको भी वजाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करेंगे तो वो पहले आपसे कुछ हिस्ट्री लेंगी, यानी कि कुछ सवाल पूछेंगी, जैसे कि डिस्चार्ज कब से है, कितनी मात्रा में है, उसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि कोई पेट में दर्द है या साथ में कोई वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या यूरिन करने में कोई दर्द या जलन है, इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। ये करने के बाद आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसमें यूजुअली हम पेशेंट को लिटा के एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपके वजाइना और बच्चेदानी के मुंह को देखते हैं। ऐसा करते समय हमें वजाइना में जो डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है वो दिखाई देता है। हम नोटिस कर लेते हैं कि वो डिस्चार्ज कैसे रंग का दिखाई दे रहा है, जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि वो किस प्रकार का या किस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। इसके साथ कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी किए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे कि बच्चेदानी के मुंह पे से पानी की जांच लेना, जिसको हम पैप स्मेयर टेस्टिंग कहते हैं, जो एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट होता है। इसके अलावा जो भी डिस्चार्ज होता है उसको एक ग्लास के स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जा सकता है। डिस्चार्ज को हम लैब में कल्चर के लिए भी भेज सकते हैं, जिसमें हम एग्जैक्ट कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट, यदि आपको यूरिन करने में कोई दर्द या जलन है तो आपको वो भी एडवाइस किया जाएगा। एंड समटाइम्स द गायनेकोलॉजिस्ट मे एडवाइज यू टू टेस्ट फॉर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस,
क्योंकि अक्सर ये डिस्चार्जेस सेक्सुअल इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं, इसलिए इन्फेक्शंस जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हर्पीज के इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए आपको सलाह दी जाएगी। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की। गायनेकोलॉजिस्ट जब आपको एग्जामिन करेंगे तो आपके टाइप ऑफ डिस्चार्ज को देखते हुए ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये वजाइनल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो मिक्स्ड इन्फेक्शंस होते हैं, तो इसलिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो भी सभी कॉमन ऑर्गेनिज़म्स को, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फंगल हो या प्रोटोजोअल हो, उन सभी को कवर करने वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ज़रूरी है कि आप और आपके पार्टनर दोनों एक साथ ट्रीटमेंट लें, तो जब आपको इन्फेक्शन हो उसी वक्त आपका पार्टनर भी अगर साथ में ट्रीटमेंट लें तो रिपीट इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ज़्यादातर आपको जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो 7 to 10 days की ड्यूरेशन का होगा और मोस्ट फीमेल्स डू रिस्पॉन्ड इन दैट टाइम फ्रेम। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है? तो हाँ, प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इनफैक्ट किसी किसी को प्रेगनेंसी में थोड़ा एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये हार्मोन के इफ़ेक्ट की वजह से होता है और इसमें कुछ अबनॉर्मल नहीं है। अगला सवाल ये होता है कि किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप में वजाइनल डिस्चार्ज क्या ज़्यादा कॉमन होता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, किसी भी एज ग्रुप में वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। ये यंग टीनेजर लड़कियों में भी हो सकता है, यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं उनमें भी हो सकता है, और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ में जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं उनमें भी हो सकता है। क्या वाइट डिस्चार्ज का या वजाइनल डिस्चार्ज का आपके जनरल हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? तो मेडिकली नहीं होता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज है तो उसके कारण उनकी जनरल वर्किंग में फ़र्क पड़ सकता है, देयर डेली रूटीन कैन बी डिसरप्टेड, लेकिन मेडिकली कोई जनरल हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है। सो टू समराइज, मैं आपको यही बोलूँगी कि वजाइनल इन्फेक्शन या वजाइनल डिस्चार्जेस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और यदि इनको टाइम से ट्रीट किया जाए तो इसका बॉडी पे कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप किसी भी अगर एज ग्रुप के हैं लेकिन आप वजाइनल डिस्चार्ज से परेशान हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करें और उनकी मदद से आप इसका ईजिली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस, स्टे कनेक्टेड।